हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ कि Redmi 9 Prime मोबाइल में आप ऐप लॉक पे फिंगरप्रिंट कैसे ऐड कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी प्रेस ऑल कर दें। तो चलिए भी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, अपना सेटिंग ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको करना क्या, थोड़ा नीचे जाना है, आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, ऐप्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, आपको नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों आपको ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न बना लेना है अपना, जो भी एक पैटर्न बनाना है। दोस्तों मैंने एक पैटर्न बनाया दोस्तों, इसको क्लिक किया जैसे ही। दोस्तों यहाँ पे मेरा ऐप लॉक व्हाट्सअप बिजनेस पे ऐप लॉक लगा हुआ है। तो अभी आपको करना क्या है, अगर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो अभी आपको यहाँ से सेटिंग का ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दोस्तों दिख रहा है, उस पर आपको सेटिंग के लोगों पर क्लिक कर देना है। जैसे लोगों पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ अनलॉक विद फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे मेरा इनेबल है, अगर आप में डिसेबल रहेगा इस तरह से टिक रहेगा तो आपको फिर से इसको इस तरह से इनेबल कर लेना है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों इसमें क्या है, अगर इसको टिक को इनेबल करेंगे तो यहाँ पे अपना पास फिंगर नीचे फिंगर सेंसर पे टच कर देना है और ये लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट इस तरह से देख सकते हैं आप, अभी हमारे फिंगरप्रिंट ऐड हुआ या नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को व्हाट्सअप बिजनेस व्हाट्सअप पे चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे पैटर्न भी मांग रहा है और फिंगर भी मांग रहा है। तो दोस्तों मैंने फिंगर को जैसे ही टच किया दोस्तों इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।